रेक्टिफिकेशन का बात करेंगे, अपने जर्नल बनाना, लेजर बनाना, अपने वो क्लास कर लिए ना कि विदाउट द हेल्प ऑफ जर्नल अपने लेजर कैसे बनाते हैं। हाँ सर। हाँ, अब अपने बात आते हैं अपने मेन आखिरी टॉपिक की तरफ पहुँचते हैं, रेक्टिफिकेशन, कि अगर गलतियाँ हो जाए तो सुधारे कैसे। देखो रेक्टिफिकेशन का अगर हम बात करें तो दो टाइप का रेक्टिफिकेशन हो सकता है, एक सिंगल साइडेड और एक डबल साइडेड। अब ये सिंगल और डबल साइडेड का मतलब क्या होता है? सिंगल साइडेड मिस्टेक का मतलब होता है एक लेजर में गलती, ठीक है? सिंगल साइडेड मतलब वन लेजर मिस्टेक, यस, वन लेजर, और डबल साइडेड मतलब मोर देन वन लेजर में मिस्टेक। दो लेजर या दो से ज्यादा लेजर में गलती हो उसको बोलते हैं डबल साइडेड, और एक लेजर में मिस्टेक हो उसको बोलते हैं सिंगल साइडेड, ठीक? हेलो, हाँ हेलो, वो जा रहे हैं? हेलो, अपने बात कर रहे हैं? हाँ सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही आपकी, आ रही है। तो देखो यहाँ पे दो टाइप का मिस्टेक का बात की है अपने, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल साइडेड मतलब एक लेजर में गलती और डबल मतलब दो लेजर में मिस्टेक। हम आपको दो तीन बातें बोलते हैं, यहाँ सिंगल साइडेड में तीन टाइप का एरर हो सकता है। एक पहला गलती है कि कोई एक लेजर में एंट्री ही नहीं हुआ, नॉट रिकॉर्डेड इन वन लेजर, एक लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल अगर हम दें, हम राम को पेमेंट किए तो जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? राम अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? एंट्री नहीं हुआ। राम अकाउंट डेबिट टू कैश। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है श्वेता? श्वेता मेरी वॉइस आ रही है आपको? या प्रॉब्लम हो रहा है बहुत? हेलो, हाँ सर आ रही है। कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यही हो रहा है हम लोग। यस सर, रुको फिर एक मिनट, नेट ऑफ करके ऑन करते हैं। अब आ रही है मेरी वॉइस क्लियर एकदम? यस सर। चलो ठीक। तो श्वेता मेरा क्वेश्चन वही था कि हम अगर राम को पेमेंट किए तो मेरा जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? राम अकाउंट कैश। राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम बोले अब अगर इसकी हम लेजर पोस्टिंग करें तो हम क्या पोस्टिंग करेंगे? कैश का अगर लेजर खोलें उसमें बाई राम लिखेंगे। Yes. और राम का अगर लेजर खोले तो उसमें टू कैश लिखेंगे। Yes, sir. मेरा अकाउंटेंट राम के लेजर में लिखना भूल गया, वो सिर्फ कैश के लेजर में भाई राम लिखा लेकिन राम के लेजर में लिखना भूल गया। एक लेजर में मिस्टेक हुआ ना? Yes, sir. नॉट रिकॉर्डेड इन वन लेजर यानी राम के लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसको सिंगल साइडेड एरर बोलेंगे। और यही अगर नॉट रिकॉर्डेड इन मोर देन वन लेजर तब डबल साइडेड एरर। नॉट रिकॉर्डेड इन मोर देन वन लेजर। वैसे ही अगर श्वेता राम के अकाउंट में डेबिट में लिखना था 1000 रुपीज, मेरा अकाउंटेंट लिखा 900, तो कम लिखा, आप तो भी सिंगल साइडेड एरर। सिंगल एरर। हाँ, यानी अमाउंट लेस रिकॉर्डेड इन वन लेजर, इसको बोलेंगे सिंगल साइडेड एरर। और अगर अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन मोर देन वन लेजर तो फिर इसको बोलेंगे अमाउंट लेस रिकॉर्डेड सॉरी इन मोर देन वन लेजर, इसको बोलेंगे डबल साइडेड एरर।
और तीसरा टाइप का एरर, राम के लेजर के डेबिट में लिखना था, मेरा अकाउंटेंट क्रेडिट में लिख दिया, अमाउंट रिकॉर्डेड इन रॉन्ग साइड, अमाउंट रिकॉर्डेड इन रॉन्ग साइड, तो ये हो जाएगा सिंगल साइडेड एरर। और अगर दोनों ही लेजर में रॉन्ग रिकॉर्ड कर दे, राम के लेजर के डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दे, और कैश के लेजर के क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दे, तो इसको बोलेंगे डबल साइडेड एरर, अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्डेड इन बोथ द लेजर। और एक टाइप का डबल साइडेड एरर हो सकता है, यानी सिंगल तीन ही होता है, या तो एंट्री लिखना भूल गया, या अमाउंट कम लिख दिया, या अमाउंट रॉन्ग साइड में लिख दिया, ठीक है, कम या ज्यादा लिख दिया और अमाउंट रॉन्ग साइड में लिख दिया। वैसे ही अगर एक से ज्यादा लेजर में लिखना भूल गया, या एक से ज्यादा लेजर में लेस अमाउंट या मोर अमाउंट लिख दिया, या एक से ज्यादा लेजर में साइड में गलती कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, एक से ज्यादा लेजर में गलती हुआ, इसको बोलेंगे डबल। और डबल में एक आखिरी और आता है, अगर रॉन्ग लेजर में ही लिख दिया, रॉन्ग लेजर, जैसे राम को पेमेंट किए लेकिन लिख दिया श्याम के अकाउंट में, हो गया ना मोर देन वन लेजर, तो दो लेजर में ही गलती हो गया। तो ये सब चीजें होती है डबल साइडेड, इनको सुधारते कैसे हैं? सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग हमेशा सस्पेंस अकाउंट का मदद लेंगे, इसका मदद लेंगे सस्पेंस अकाउंट का। देखो हम आपको यही गलती करके दिखाते हैं अलग अलग वे में, मिस्टेक को रेक्टिफाई करके। देखो अगर मेरा अकाउंटेंट को एंट्री करना था राम टू कैश 1000 रुपया, ये एंट्री है मेरा राम अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपया। अगर वो राम में लिखना भूल गया तो राम का लेजर जो खोले उसके डेबिट में लिखना भूल गया। आप श्वेता कोई भी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए दो सॉल्यूशन दे सकते, आई रिपीट, ये दो स्टेप दिमाग में हमेशा रखना। नंबर वन, अगर अगर कोई आपको ये बोले कि अमाउंट लिखना भूल गए या कम लिख दिए, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? अब लिख दो। अगर हम आपको श्वेता बोले कोई काम करना भूल गए या कोई काम नहीं किए, तो आप उनको ये बोलोगे ना सर अब कर लीजिए। जैसे अगर हम आपको बोले आज हम खाना नहीं खाए अब तक, आप क्या बोलोगे? सर अब खा लीजिए। Yes. अगर हम बोले हम कम खाएं और भूख लगा हुआ, तो आप क्या बोलोगे? और खा लीजिए। यानी अगर कोई चीज छूट जाए तो आपका एडवाइस हमेशा यही होगा ना कि अब कर लो। और अगर कोई चीज गलती हो अकाउंट्स में तो आप बोलोगे उसको रिवर्स करो। अमाउंट ज्यादा लिख दिए हैं, आप बोलोगे उल्टा साइड में लिख दो। अमाउंट अगर हम बोलेंगे रॉन्ग साइड में लिख दिए हैं, तो आप क्या बोलोगे? उसको रिवर्स कर दो। तो गलती को आप एडवाइस करोगे। देखो दो टाइप का मिस्टेक होगा, लिखना भूले या कम लिखे, तो बोलोगे अब लिख दो। और अगर हम बोले अमाउंट ज्यादा लिख दिए या रॉन्ग साइड में लिख दिए, तो आप बोलोगे रिवर्स कर दो। यही दो सजेशन आप दे सकते हो रेक्टिफिकेशन के। हम यहाँ बोला राम को सामान बेचे थे, सॉरी राम से सामान खरीदे थे, उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री किए। हम बोला मेरा अकाउंटेंट कैश के लेजर में तो ठीक लिखा, राम के लेजर में लिखना भूल गया, तो आप हमको बोलोगे ना राम के लेजर में अब लिख दो। Yes. राम के लेजर में किधर लिखना चाहिए था अगर मेरा अकाउंटेंट भूला है तो? डेबिट में भूला है ना लिखना। Yes. तो अब आप क्या एडवाइस करोगे? सर अब लिख दीजिए। चलो लिख दिया अमाउंट आपके भूलने में। सर अब आप कुछ तो नाम भी लिखना पड़ेगा, हमेशा यूज करेंगे सस्पेंस। सिंगल साइड मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हमेशा सस्पेंस का मदद लें। तो अपना एंट्री हुआ राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है।
यस सर। अब हम दूसरा टाइप का मिस्टेक लाएं कि अमाउंट ज़्यादा या कम लिख दिए, ये अमाउंट हासिल पहले कम ज़्यादा कम लिखने के बात करते हैं। मेरा अकाउंटेंट को राम के लेजर में डेबिट साइड में कितना लिखना चाहिए था? 1000 रुपया। यस। मेरा अकाउंटेंट गलती से 900 लिखती, 100 रुपया कम लिखा ना डेबिट में। यस सर। आप उनको क्या एडवाइस करोगे सर? 100 रुपये लिख लीजिए आप। यस सर। चलो राम टू सस्पेंस 100। वेरी गुड। यस राम टू सस्पेंस 100। वैसे अगर राम के लेजर में मेरा अकाउंटेंट ज़्यादा लिख दिया, 900 लिखना था 1900 लिख दिया गलती से, एक सिंगल ज़्यादा लग गया, 1900 लिख दिया गलती से, 1000 रुपये ज़्यादा लिख दिया, मतलब 900 लिखना चाहिए था, लिखा कितना? 1000। मान लो राम को कैश दिया 900 रुपया, तो राम के लेजर में 900 रुपया लिखना चाहिए था, मेरा अकाउंटेंट गलती से 1900 लिख दिया। जब अभी हम आपको बोले थे कोई चीज लिखना भूले हैं तो आप बोलते हो लिख लो, अगर हम कोई चीज ज्यादा लिख दिए तो आप क्या एडवाइस करते हो? रिवर्स करना। तो आप रिवर्स में लिखने बोलोगे 1000 हमको, ठीक है। चलो और नाम में क्या लिखोगे भाई? सस्पेंस। तो एंट्री क्या हो गया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम। तो अगर कोई अमाउंट लिखना भूल गए तो अब लिख दो, और ज्यादा लिख दिए तो जितना एक्स्ट्रा लिखे उतना उल्टा कर दो, ठीक है? यस सर। तीसरा मिस्टेक, अकाउंट के उल्टा ही लिख दिया। अच्छे से सुनना, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 900 रुपया लिखना था, मेरा अकाउंटेंट क्या किया, राम के लेजर में क्रेडिट में 900 रुपये लिख दिया। किधर लिखना चाहिए था उसको? डेबिट में। डेबिट में वो लिखना भूल, वो गलती करके किधर लिख दिया? क्रेडिट में। अब आप हमको बोलो उससे दोनों मिस्टेक हुआ ना यहाँ पे, एक वो डेबिट में लिखना भूला, दो वो क्रेडिट में गलती से लिख दिया। आई रिपीट, वो दोनों मिस्टेक किया है, एक लिखना भूला डेबिट में, दो क्रेडिट में गलत लिख दिया। अब आप हमको क्या एडवाइस करोगे? ट्राई करो, रिवर्स करना तो ठीक। आप बोलोगे रिवर्स कर दो, 900 रुपया इधर लिख दो, बस नहीं और क्या होगा बेटा? 900 पहले लिखना भूला, आपका एडवाइस ऐसे होना चाहिए था, सर वो डेबिट में लिखना भूला ना, आप पहले वो लिखो, और दूसरा गलती वो जो क्रेडिट में लिख दिया उसको रिवर्स करो, यानी राम के डेबिट में 1800 रुपया से टू सस्पेंस करो। समझे? समझे मेरा बात? यस सर। यस सर। यहाँ वो दोनों मिस्टेक किया। देखो हम शुरू से एक ही ट्रैक पकड़ के चल रहा है, और एकदम लास्ट तक हम यही ट्रैक पकड़ के चलेगा कि जो चीज वो नहीं किया और करना चाहिए था वो करो, और जो चीज वो गलत कर दिया उसको रिवर्स करो। तो पहला मिस्टेक तो सर वो यहाँ ये किया कि डेबिट में लिखना चाहिए था, वो लिखा ही नहीं, तो सर लिखना भूला और लिखा नहीं है तो अब लिखो आप, तो चलो हम 900 डेबिट में लिखे। दूसरा गलती सर वो ये किया कि वो क्रेडिट में लिखना चाहिए था, अरे सर ये तो नहीं करना था, तो जो नहीं करना था अगर वो कर लें तो आपका सेकंड एडवाइस क्या होता है मेरे को? रिवर्स कर दीजिए सर। तो देख लो फिर से रिवर्स किए, यानी राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1800 रुपये से एंट्री, ठीक है? यस सर। अगर अभी भी मन में डाउट है, नहीं सर कुछ तो अजीब सा लग रहा है बात, तो देखो अभी साबित करते हैं अपने बात को, एक मिनट के अंदर इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे कि 1800 आना चाहिए था। देखो कैसे जस्टिफाई करते हैं। अगर अपना अकाउंटेंट गलती नहीं करता बेटा तो अपने डेबिट में 900 रुपया लिखा होता है ना? यस सर। तो अगर अपने आप अकाउंट क्लोज करना होता तो अपने क्या करते? सीडी करते 900, और फिर लास्ट में 2BD करते 900। यस सर। अल्टीमेटली अपना 900 बैलेंस आता है यहाँ पे। यस। अब देखो जो मेरा अकाउंटेंट मिस्टेक किया उसके कारण राम अकाउंट कैसे बनेगा,
मेरे अकाउंटेंट क्या किया सर, 900 यहाँ लिख दी है ना। यस सर। अगर आप केवल रिवर्स करते जो आपके मन में पहली बार में आता कि सर गलती किया है रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स कर देते मेरा बहुत सेट तो मैच हो गया बेटा, बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं, जबकि हिसाब से मेरा बैलेंस बिल्कुल बच रहा है 900 रुपये है ना। यस सर। देखो अब हम क्या किए सर, 900 लिखना भूला, 900 लिखिए और जो गलती किया उसको रिवर्स कीजिए 900। तो बेटा अल्टीमेटली बहुत सारे टोटल करेंगे 1800 आएगा, यहाँ पे 1800 इधर 900 है, तो यहाँ सीडी करना पड़ेगा हमको 900 और सीडी 900 करेंगे तो फिर बीडी 900 भी करेंगे। देख लो अब गलतियाँ सुधर रही है, यानी डबल अमाउंट से हमको पहले 2 सस्पेंस करना पड़ेगा तब मेरा अकाउंट का बैलेंस, हमको अल्टीमेटली बैलेंस ठीक करना है बेटा, हम पूरा लेजर नहीं सुधार सकते। और अकाउंट्स में कभी मत बोलना कि गलती किया है तो काट लो ना, काट दो, काट देने से अकाउंट ठीक नहीं होता, आपको हमेशा रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ती है तब अकाउंट सुधरता है। तो ये जो 3 मिस्टेक हम बताया, लिखना भूला, कम लिखा या गलत साइड लिखा एक लेजर में, तो सिंगल साइड हम हर बार कैसे सुधारा गलती को, सस्पेंस की मदद से। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आते हैं डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर में एग्जांपल यही लेके चलते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री था मेरा, हम लिखते हैं देखो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। ये मेरा थोड़ा सा वर्किंग होगा आपको सिखाने के लिए, एग्जाम में ये वर्किंग आपका मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री बता दो मेरा काम हो जाएगा। बट हम आपको रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफिकेशन के लॉजिक से सिखाएंगे ताकि वो गलती पकड़ सको। देखो हम पहला मिस्टेक क्या मानता है, एंट्री करना ही भूल गया, ठीक है। डबल साइडेड एरर में हम 4 केस पकड़ेगा, एंट्री करना भूला, अमाउंट कम या ज़्यादा लिखा, रॉन्ग साइड में लिखा या रॉन्ग लेजर में लिखा, 4 टाइप का चीज बताया था ना डबल साइडेड एरर में। तो देखो पहला एंट्री करना ही भूल गया, तो बेटा अगर एंट्री करना भूल गया, करेक्ट एंट्री होता तो क्या होता, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ सर, हुआ ही नहीं, करना ही भूल गया, पहला केस तो यही है। तो आप देखो हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, बेटा करेक्ट एंट्री के हिसाब से राम को क्या करना चाहिए था, कैश डेबिट राम के अकाउंट में, राम को क्या करना चाहिए था, राम को डेबिट करना चाहिए था सर, वही तो बस वही बोलो खाली, कैश की क्या करना चाहिए था हम नहीं पूछे अभी, हम बोले करेक्ट एंट्री के हिसाब से राम के लेजर में क्या करना चाहिए था डेबिट। आपका अकाउंटेंट किया है क्या? नहीं तो आप कर लो, हम तो यही बोले जो काम नहीं किया वो कर लो। अच्छा कैश को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट। आपका अकाउंटेंट किया है क्या? नहीं तो कर लो, जो चीज नहीं किए या जो चीज छूट गया है उसका एडवाइस हमेशा यही होता है आप कर लो, तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री होता है राम अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो यही तो बात था कि वो एंट्री करना ही भूल गया, तो अब एंट्री कर लेंगे, ठीक है। yes. चलो अब दूसरा एरर पकड़ते हैं, लिखना चाहिए था राम के अकाउंट में 900 रुपया, ठीक है। मेरा अकाउंटेंट लिख दिया, हाँ लिखना चाहिए था 1000 रुपया, मेरा अकाउंटेंट लिख दिया 900 रुपया, तो एंट्री होना चाहिए था राम अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपया है ना। यस सर। मेरा अकाउंटेंट क्या कर दिया, राम टू कैश तो किया वो, लेकिन 900 रुपये कर दिया, डबल एरर है क्योंकि 2 लेजर में गलती हुआ है। yes. सिंगल होता तो सस्पेंस की मदद से सॉल्व करते ही सर। चलो अब देखो राम के अकाउंट को क्या होना चाहिए था डेबिट 1000 रुपए से, मेरा अकाउंटेंट किया है क्या? नहीं सर। वो 900 से डेबिट किया है सर, खाली 100 रुपए से डेबिट कम किया है, तो कोई चीज कम हो जाए या नहीं हो तो आप एडवाइस क्या देते हो, आप कर लो। देखो राम अकाउंट डेबिट 100 रुपया, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 100 रुपए से, मेरा अकाउंटेंट उसको भी 900 से क्रेडिट किया, तो अब कैश क्रेडिट कर लो 100 रुपए से,
तो एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपया, उल्टा देते हैं ज्यादा लिख देता अगर, देखना यहाँ मजा आएगा। मेरा अकाउंटेंट 900 की जगह 1000 रुपया लिख दिए, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था राम टू कैश 900 रुपया। मेरा अकाउंटेंट क्या किया है, राम टू कैश 1000 रुपये, है ना? यस सर। अब आ जाते हैं आपके फिर वही प्रोसेस पे, राम के अकाउंट को क्या करना चाहिए था, डेबिट 900 रुपये से। मेरा अकाउंटेंट ज्यादा से डेबिट कर दिया, कोई चीज ज्यादा या रॉन्ग साइड हो जाए तो बोलते हैं रिवर्स कर दे, देखो कोई चीज छूट जाए और या कम हो जाए तो बोलते हैं सेम साइड लिख दो, या कोई चीज ज्यादा हो जाए या रिवर्स गलती से रॉन्ग साइड हो जाए तो बोलते हैं रिवर्स कर दो। तो मेरा अकाउंटेंट राम को 100 रुपये से ज्यादा डेबिट कर दिया, आपका एडवाइस होगा टू राम कर दो 100 रुपये, है ना? और वैसे ही कैश को क्रेडिट करना था 900 रुपये से, मेरा अकाउंटेंट कैश को क्रेडिट कर दिया 1000 रुपये से, तो कैश ज्यादा से क्रेडिट हो गया है तो रिवर्स कर दीजिए सर, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए 100 रुपये। यहाँ एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू राम 100 रुपये। आखिरी केस पे आते हैं, सॉरी तीसरे केस पे, रॉन्ग साइड लिख देना। और इसमें मजा आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। मेरा अकाउंटेंट कैश टू राम कर दिया गलती से, करना था एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपया, मेरा अकाउंटेंट गलती से कैश अकाउंट डेबिट टू राम कर दिया 1000 रुपया। राम टू कैश डबल अमाउंट, हाँ। राम को क्या करना था 1000 से डेबिट, वो करना भूला सर, एक तो वो करना पड़ेगा और एक राम को गलती से क्रेडिट भी कर दिया तो उसको सुधारना भी पड़ेगा, तो राम को डबल से डेबिट करना पड़ेगा 2000 रुपये से। वैसे ही कैश को सर क्रेडिट करना था 1000 से, तो पहले तो वो करना भूल गया तो वो करना पड़ेगा, और दूसरा बात कैश को गलती से डेबिट भी कर दिया तो उसको सुधारना भी पड़ेगा, तो कैश को सुधारने के लिए भी क्रेडिट, तो टू कैश 2000 रुपये, ठीक है? यस सर। और आखिरी केस पे आ रहे हैं, उसके बाद खाली सम प्रैक्टिस करना है, काम खत्म। यस। रॉन्ग लेजर में लिख दी, देखो पैसा मिला था राम से तो एंट्री होना था राम अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरा अकाउंटेंट, एक और मेरा क्लाइंट था जिसका नाम रामा था, मेरा अकाउंटेंट गलती से उसके अकाउंट में डाल दिया रामा टू कैश। राम और रामा दो मेरे पार्टी थी, वो एक्चुअली वो कारवाड़ी में रामा के अकाउंट में एंट्री मार दी, तो देखो फिर वही बुद्धि लगाओ, राम के अकाउंट को क्या करना था डेबिट, किया है क्या आपका अकाउंटेंट? नहीं, तो जो नहीं किया वो अब कर लो। कैश के अकाउंट को क्या करना था, आराम से कैश के अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट, वो किया है क्या? नहीं। हाँ अच्छा किया तो किया। इसीलिए हम आपको एक बार रोकिए, क्योंकि स्टेप पकड़ के चलो, पहले करेक्ट एंट्री का दोनों चीज चेक कर लो हुआ है क्या, और फिर रॉन्ग एंट्री का दोनों चीज चेक कर लो जो रिवर्स करनी। कैश अकाउंट में गलती नहीं हुआ कोई भी, नहीं तो कुछ मत करो, कोई सुधार नहीं इधर करनी। मैं पहले राम टू रामा बोली थी, आप करेक्ट बोले, हम तो बोला आप करेक्ट बोले, हम आपको स्टेप पकड़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि टफ एंट्री जब आएगा ना एक साथ 3-4 अकाउंट में भी अमाउंट गड़बड़ होगा, तब आप उलझ जाओगे, क्योंकि आप आपको एंट्री डायरेक्ट आंसर मिल रहा था, फटाक से आंसर दे दिए, हम वही नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि अगला 10-12 एंट्री जो रेक्टिफिकेशन का करो उसमें स्टेप पकड़ के चलो। तो कैश को क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हुआ है सर, कोई मिस्टेक नहीं, कुछ मत सुधारिए। अब आ जाओ इधर में, रामा अकाउंट बचा लास्ट, तो रामा अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से, तो सर अगर गलती से डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट करके सुधारी, टू रामा कर दीजिए। आपका आंसर करेक्ट था, राम अकाउंट डेबिट टू रामा अकाउंट कर दिया। लेकिन लॉजिक यही है, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट एंट्री हो अगर डबल साइड हो
तो रॉन्ग करेक्ट लिखो, मनी मन में कर लो, या तो करेक्ट में जो चीज नहीं हुआ उसको करो और रॉन्ग में जो चीज हो गया उसको रिवर्स करो। मतलब हम कुल मिला के आपको दो ही स्टेप में घुमा रहे हैं बार बार, जो छूट गया वो करो या जो कम हो गया है वो करो, जो गलत हो गया है या ज्यादा हो गया है उसको रिवर्स करो। बात करेक्ट? यस सर। बस यही है रेक्टिफिकेशन। सिंगल हो तो सस्पेंस की मदद से कर लेना और डबल हो तो इस तरीके से सुधारते हैं। अब आते हैं फटाक से सब प्रैक्टिस के ऊपर। देखो हम बहुत सारा पहले सिंगल साइडेड एरर उठाए, सम नंबर 8 में हम पहले बहुत सारा सिंगल साइडेड एरर का एंट्री उठाया। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। हमको एक बात बताओ, पहला एंट्री लेते हैं, ये सारे सिंगल साइडेड एरर है। हम पहला एग्जांपल पूरा सिंगल साइडेड एरर का लिए, सेल्स टेबुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 500, यानी सेल्स अकाउंट में ज्यादा लिख दिया है कि कम लिख दिया? अंडर कास्ट मतलब कम, कम लिख दिए सेल्स अकाउंट। यानी ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड? सिंगल साइडेड, क्योंकि खाली सेल में गलती हुआ है सर। यस। तब मेरे को एक बात बताओ, सेल्स अकाउंट का किधर बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट? वही फॉलो करो बेटा, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। एसेट और एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी और इनकम का लेजर है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। वो बेसिक्स मत छोड़ो, आपको हर आंसर मिलेगा दुनिया का। अब बताओ सेल्स कौन सा लेजर होता है, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम? एक्सपेंस। हाँ, माल बेचते हो एक्सपेंस होता है आपका? कोई नहीं कोई नहीं, आराम से पकड़ के चलो। सेल्स इनकम का लेजर है, इनकम का बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट। क्रेडिट में कम लिख दिए, अब आप उनको गलती कैसे सुधारने बोलोगे? से क्रेडिट कर दीजिए अगर कम लिखे तो, है ना? यस सर। यानी टू सेल्स कीजिए सर, और डेबिट किसको करोगे सिंगल साइडेड में? सस्पेंस। वेरी गुड। चलो अगला, सेल्स बुक ओवरकास्ट, ज्यादा लिख दिए। सेल्स अपना इनकम का लेजर, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, ज्यादा लिख देते तो आप हमको क्या एडवाइस करते हो, बोलो? कोई चीज अगर ज्यादा लिखे तो आपका एडवाइस क्या होगा सर? रिवर्स कीजिए। ज्यादा लिखना या गलती लिखना, आई रिपीट श्वेता, ज्यादा लिखना या गलत साइड में लिखना का आप एक ही सजेशन दोगे मेरे को, सर रिवर्स कर दीजिए। कम लिखना या छूट जाना, कम लिखना या छूट जाने का आप एडवाइस करोगे, जिधर ओपनिंग बैलेंस होता है उधर लिख दीजिए। जो लेजर बनाने का लॉजिक था ना बेटा आपका, कि जिधर ओपनिंग बैलेंस होता है उधर लिखते हैं अगर बढ़े तो, और घटाना हो तो उल्टा, यही सीखे थे ना लेजर बनाते वक्त लास्ट क्लास में। यस सर। यहीं पे भी यही फॉलो करना है बेटा। तो सेल्स बुक कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है सर, क्योंकि इनकम है। अगर ज्यादा लिख दिए हैं, इनकम को जनरली किधर लिखते हैं बेटा? क्रेडिट में। तो ज्यादा लिख दिए हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। तो आपका एंट्री एडवाइज ये होना चाहिए था सर, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। किसके साथ डेबिट करेंगे, किसकी मदद से? आ जाओ नेक्स्ट पे। इसीलिए हम इसमें 15 एग्जांपल लिए हैं, ताकि आपको इतनी बार इसको बोलने पे मजबूर कर दें कि वो अल्टीमेटली दिमाग में घुस जाए। परचेज डेबिट ओवर कास्ट, परचेज कौन सा अकाउंट होता है? एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। एक्सपेंस तो डेबिट। वेरी गुड। डेबिट बैलेंस होता है, और हम बोल रहे ओवर कास्ट मतलब ज्यादा लिख दिए कि कम लिख दिए? ज्यादा। कोई चीज डेबिट होता है अगर और ज्यादा लिख दिए तो क्या करना है? वेरी गुड। अब आप ट्रैक करना चाहोगे तो टू परचेज लिखवाओगे आप मेरे से, डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस। वेरी गुड। परचेज बुक अंडर कास्ट,
परचेज एक्सपेंस का ले जा रहा है, डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, डेबिट में कम लिख दिए हैं सर, अब क्या एडवाइस करोगे? और डेबिट कर दीजिए सर, वेरी गुड, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दीजिए। अब आराम से सोचना, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट ओवरकास्ट, सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? लॉस। तो डेबिट yes. तो अगर डेबिट हो रहा है बेटा, डेबिट साइड में ज्यादा लिख दियो, ओवरकास्ट है, तो क्या एडवाइस दोगे? रिवर्स। वेरी गुड, तो टू सेल्स रिटर्न, तो डेबिट किसको करोगे? एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं बेटा। सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट, तो लॉस का अकाउंट कम लिख दिए, सेल्स रिटर्न कितना लिखते हैं? डेबिट में, और डेबिट में कम लिख दिए, डेबिट करें, तो अभी डेबिट करो, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, क्रेडिट में ज्यादा लिख दिए, रिवर्स करना पड़ेगा, तो डेबिट। हाँ, तो परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, उल्टा करोगे, परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, कम लिखी है, तो अब आप क्रेडिट करने बोलोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट रुपीज 200, रॉन्गली रिटर्न इन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एज 220। एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट में 200 रुपया लिखना चाहिए था। एडवर्टाइजमेंट कौन सा लेजर होता है? एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम, बोलो। हेलो, यस सर। एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट होता है? एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंस खर्चा है ना एडवर्टाइजमेंट? यस। हाँ, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में 20 रुपया ज्यादा लिख दिए, यही तो हुआ है, 200 लिखना चाहिए था, 220 लिख दिए, है ना? यस सर। तो रिवर्स करना, डेबिट की जगह क्रेडिट, तो टू एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस। नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट रुपीज 20,000, रॉन्गली रिटर्न इन मशीनरी अकाउंट 2,000। एक मशीन खरीदे थे 20,000 का, मशीन कौन सा लेजर होता है? एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम, एसेट तो डेबिट। वेरी गुड, एसेट में लिखना था 20,000, लिख दिए कितना गलती से? 10 कम लिख दिए, 2,000, 18,000 रुपया कम लिख दिए, 18,000। तो अब आप क्या एडवाइस करोगे? मशीन को डेबिट कम किए, रिवर्स क्यों बेटा? जा बेटा आराम से, कम मशीन अकाउंट में कितना लिखना था? 20 लिख कितना दिए? 18,000 कम लिखे ना, कम कम कम, तो जो कम लिखे हैं तब उधर ही लिखो जिधर लिखना चाहिए था, ज्यादा लिखे तो रिवर्स करते, तो अगर कम लिखे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा टू सस्पेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सा लेजर होगा? इनकम, इनकम क्रेडिट करता, क्रेडिट बैलेंस होता है, 300 रुपया का एक इंटरेस्ट मिला था, हम इंटरेस्ट अकाउंट में रॉन्गली, मजेदार खेल देखना, क्या कर दिए हैं? डेबिट 350। एक तो साइड में गलती की है, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होता है। यस सर। हम किधर लिख दिए? डेबिट, डेबिट में, और वो भी अमाउंट भी गलत लिख दिए, 350। तो पहला बात, इंटरेस्ट अकाउंट में 300 रुपया लिखना भूले। यस सर। तो आप हमको बोलोगे सर टू इंटरेस्ट लिखो आप 300 रुपया। यस सर। और प्लस इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट भी कर दिए 350, वो भी रिवर्स करने बोलोगे क्रेडिट करने। यस सर। तो प्लस 350, यानी इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा 650 से। यस सर। और डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 650। बात समझ में आया? यस सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम था, इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था सर 300 रुपए से, वो तो करना भूल ही गए, तो वो कीजिए, और गलती से इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड में और लिख दिए 350 रुपये, तो वो भी रिवर्स कीजिए, तो 350 को रिवर्स किया, और 300 जो लिखना भूले वो लिखे,
यानी इंटरेस्ट वो 650 से क्रेडिट किए और डेबिट तो करने के लिए अपने पास एक ही अकाउंट था सस्पेंस से, ठीक है। यस सर। अगला गुड सोल्ड रुपीज 30,000, रिटर्न इन सेल्स अकाउंट है 33,000। सेल क्या इनकम? यस सर। कितना रुपए का इनकम हुआ आपने? 30,000। यस सर। हम लेकिन सेल्स अकाउंट में 33 लिख दिए, 3,000 ज्यादा लिख दिया हम सेल्स अकाउंट में। यस सर। सेल्स अकाउंट क्रेडिट लेजर होता है, डेबिट डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नेक्स्ट करते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000, फर्नीचर खरीद के लाए 20,000 का। यस, डेबिट होता है, बट रॉन्ग साइड हुआ। हाँ, एक तो रॉन्ग साइड हुआ, वेरी गुड, क्रेडिट में लिख दिया, ऊपर से अमाउंट का भी ब्लंडर मार। यस सर। तो डेबिट करना भूल गए, तो अब आप पहला एडवाइस तो सर ये करोगे कि आप डेबिट कीजिए 20,000 से, है ना। पहला एडवाइस आपका यही होगा सर, फर्नीचर को डेबिट कीजिए 20,000 से, और ऊपर से 2,000 से क्रेडिट करके बैठे हैं तो उसको भी रिवर्स कीजिए, दो भी डेबिट। हाँ, तो फर्नीचर को दो बार डेबिट कीजिए 20 और 2,000, यानी 22,000 रुपये से, और टू तो अपने पास एक ही है सिस्टम। अगला देखना बड़ा मजेदार है, बिल ड्रॉन ऑन रवि, रवि पे एक बिल ड्रॉ किए थे, नॉट रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखना भूल गए। बीआर कौन सा अकाउंट होता है? एसेट की लायबिलिटी, एक्सपेंस की इनकम, बैलेंस शीट में बिल्स। हाँ बेटा, बैलेंस शीट में बीआर कहाँ लिखते हो? एसेट साइड में ना, डेटर के नीचे, यानी वो एसेट है। यस सर। बीआर एसेट है, रिसीवेबल है, मिलना बाकी है, कोई चीज मिलना बाकी होता है वो हमेशा एसेट होता है ना। तो बिल्स रिसीवेबल में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो सर बीआर को आप डेबिट करना भूल गए, मतलब एसेट को डेबिट करना भूल गए, आप कर लीजिए। तो बीआर अकाउंट डेबिट तो करवाओगे आप मेरे से, तुम क्या करवाओगे सस्पेंस। आखिरी एंट्री पे आते हैं, चेक डिजॉनर्ड ₹15,000 गिवन टू सुमित, नॉट रिकॉर्डेड इन सुमित अकाउंट। आराम से सोचना, इसका हम आपको पूरा लॉन्ग प्रोसेस सोचवाएगा, सोचने में बड़ा मजा आएगा अगर मन से सोचोगे, और हम आपको सोचने पे ही मजबूर करेगा इसमें, हम आपको पूरा बैकग्राउंड में लेके जाएगा। बोल रहे हैं चेक दिया था सुमित को, गिवन बाय सुमित, सुमित हमको दिया था 15,000 रुपया का, वो अब डिजॉनर हो गया। बेटा सुमित जब चेक दिया होगा तो एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमित, yes, है ना। जब वो रिवर्ट डिजॉनर हुआ तो मेरे को क्या करना चाहिए था? सुमित अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि डिजॉनर का एंट्री हमेशा इशू का ऑपोजिट होता है। yes. मेरा अकाउंटेंट उस डिजॉनर को सुमित के अकाउंट में लिखना भूल गया, मतलब वो सुमित को डेबिट करना भूल गया। yes, sir. तो अब आपका एडवाइस क्या होगा? कर लीजिए अब डेबिट। yes, और तू क्या करेंगे सस्पेंस, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं बोला वो बैंक अकाउंट को भी रिवर्स करना भूल गया। yes, वो बैंक के लेजर में ठीक बाय सुमित लिख दिया होगा, लेकिन वो सुमित के लेजर में टू बैंक लिखना भूल, नॉट रिकॉर्डेड इन सुमित अकाउंट, इसीलिए तो सिंगल साइडेड है। बात क्लियर है? यस यस सर। चलो अब डबल साइडेड पे चलते हैं, दो सम फटाफट डबल साइडेड का करेंगे और क्लास खत्म। देखो, एक्विजिशन चार्जेस ऑन द परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग, एक नया बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग खरीदने का हमको कुछ चार्जेस लगा। बेटा बिल्डिंग खरीदते वक्त कोई खर्चा होता है, उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस में कि बिल्डिंग में ऐड कर देते हैं? थर्ड नंबर सम किए थे अपने, याद करो ठीक से, फोर्थ नंबर सॉरी, एसेट खरीदते वक्त कोई एक्सपेंडिचर होता है, उसको अलग से एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं कि एसेट अकाउंट में ऐड कर देते हैं? एसेट अकाउंट में ऐड करते हैं। वेरी गुड। एक नया बिल्डिंग खरीदते वक्त जो एक्विजिशन चार्जेस लगा था 5,000 रुपया, उसको बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करना चाहिए था? यस सर। मेरा अकाउंटेंट वही गलती किया, वो एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो ना डबल मिस्टेक। यस सर। वो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, तो रॉन्ग राइट और करेक्ट वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे 2 मिनट में अंदर। राइट एंट्री क्या होना चाहिए था? बिल्डिंग टू कैश। यस सर।
सर। ये देखो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्ट एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग टू कैश। मेरा अकाउंटेंट क्या किया है, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब चलो बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था, किया है क्या? नहीं किया तो डेबिट करेंगे। अब कर दो। कैश को क्रेडिट करना चाहिए था, किया है क्या? यस किया है। तो कोई गलती सुधारने का दरकार नहीं है। यस सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, करना चाहिए था क्या? नहीं तो क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। ये सोचने का प्रोसेस है बेटा। ये एंट्री आप अपने मुंह से डायरेक्टली बोल सकते थे बिल्डिंग टू सन्ड्री एक्सपेंस होगा, एक सेकंड लगता बोलने में। बट ये जो हम करवाते हैं ना, क्या करना था वो किया है क्या, और क्या नहीं करना था वो गलती से कर दिया है क्या। तो ये फील आता है कि अरे नहीं किया तो अब करो, तो डेबिट अपने आप या क्रेडिट अपने आप आ जाएगा। और रिवर्स करना है तो जो किया है उसका उल्टा करना पड़ेगा। चलो अगला एंट्री करते हैं फटाक से इसी फॉर्मेट से। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, ये इजी एंट्री है। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस कम्प्लीटली ओमिटेड, पूरा एंट्री करना ही भूल गया। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्ज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री यही सीखी है अपनी क्लास टू में। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, ये एंट्री होना चाहिए था करेक्ट एंट्री। सॉरी आपका अकाउंटेंट क्या किया, ओमिटेड, मतलब पूरा एंट्री छूट गया, कुछ नहीं किया। तो आपका एडवाइस क्या होता, सर कर लीजिए। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस आपका एंट्री होगा। ठीक है, अगला वाला बहुत मजेदार एंट्री है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री है। देखो मस्त क्वेश्चन है, पहले अच्छे से क्वेश्चन सुनना। मेरे पास खुद के लेबर होते हैं फैक्ट्री में हमेशा, और फैक्ट्री में हमेशा रॉ मटेरियल पड़ा रहता है। वो लेबर और रॉ मटेरियल का हमेशा काम क्या होगा, जो मेन गुड्स बन रहा है उसके लिए काम करना। हुआ ये कि मेरे वहां पर एक फैक्ट्री का भी काम चल रहा था साथ में, फैक्ट्री बनाने का। हम अपने वो जो गुड्स बनाने वाले लेबर थे ना, उन्हीं को बोले अरे यार वहां लेबर थोड़ा फैक्ट्री बनाते वक्त कम पड़ रहा है, फैक्ट्री में मान लो एक बिल्डिंग बन रहा था। तो हम अपने मेन लेबर को, मेन लेबर जो मेरा खाली गुड्स बनाने के लिए लगाया गया था, उनको बोले कि जाओ ना थोड़ा सा फैक्ट्री बनाने में मदद कर दो ना। और लेबर मेरे यहाँ पे दिन के हिसाब से काम पे था, उसको लगा ठीक है हमको तो 8 घंटा का पेमेंट मिलेगा पर डे, अब हम गुड्स बनाने में काम करें चाहे फैक्ट्री बनाने में, हमको तो उतना ही पेमेंट मिलेगा। ठीक है, वैसे ही मेरा स्टोर रूम में कोई ऐसा रॉ मटेरियल पड़ा था जो मेरा मेन गुड्स बनाने में भी काम लगता था, लेकिन वही चीज फैक्ट्री बनाने में भी काम लग रहा था। मान लो सीमेंट पड़ा था थोड़ा सा, सीमेंट मेरे मेन गुड्स में भी लगता है, लेट से एक एग्जांपल ले रहे हैं, और वही सीमेंट बनाना बिल्डिंग में भी लगता है, सीमेंट का काम बिल्डिंग में भी होता है। तो थोड़ा सीमेंट हम अपने रॉ मटेरियल से निकाल के बिल्डिंग बनाने में यूज करें। और अपने डे वन से एक चीज पड़े हैं कि एसेट बनाने का कोई खर्चा होता है उसको एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर एग्जांपल था, मेरे फैक्ट्री में कुछ इक्विपमेंट बन रहा था, टूल्स एंड इक्विपमेंट, हम अपना मेन लेबर को जो वेजेस दिया है थोड़ा उसके लिए यूज कर लिया, और फैक्ट्री में जो मटेरियल यूज हुआ है रॉ मटेरियल पड़ा था वो भी हम ये टूल्स बनाने में काम लगा लिया। मतलब जो चीज हम मेन गुड्स बनाने के लिए रखा था, जिनके लिए पेमेंट कर रहा था, उस आइटम को या उन लोगों को हम अपना टूल्स बनाने में भी काम लगा लिया। मेरे को एक्चुअली में ये टूल्स एंड इक्विपमेंट में डेबिट करना चाहिए था, है ना? मेरा अकाउंटेंट नहीं किया, तो आप पहला एडवाइस तो ये करोगे सर आप डेबिट कर लीजिए, है ना? और मेरा अकाउंटेंट परचेज अकाउंट डेबिट करके बैठा था रॉ मटेरियल को, और वेजेस अकाउंट डेबिट करके बैठा था लेबर का पेमेंट को, क्योंकि नॉर्मली जब रॉ मटेरियल लाते हैं और नॉर्मली जब लेबर को पेमेंट करते हैं तो इन्हीं अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेज और वेजेस।
लेकिन जब सर एसेट बनता है ना तो अलग से परचेज और वेजेस डेबिट नहीं होता, वो एसेट अकाउंट में चला जाता है। तो मेरा अकाउंटेंट इन दोनों को डेबिट करके बैठा है और ये डेबिट करना भूल गया, टूल्स एंड इक्विपमेंट को डेबिट करना भूल गया है और परचेज और वेजेस अकाउंट को डेबिट करके बैठा है। अब आप क्या एडवाइस करोगे? भूल गए वो करेंगे तो टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे डेबिट, हाँ, और एंड उसको रिवर्स करेंगे तो परचेज एंड वेजेस क्रेडिट, टू परचेज टू वेजेस। बात समझ में आई? चलो आखिरी सम पे जाते हैं आज के, तीन एंट्री और। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 1040, एक 1040 रुपए का हम उधार में सामान लाए थे मिस्टर रमेश से, पांच दिन इन द बुक्स एज 1400 रुपए। मेरा अकाउंटेंट गलती से 1040 को 1400 लिख दिया, 40 को इधर उधर लिख दिया, यानी मेरा अकाउंटेंट क्या एंट्री कर दिया बेटा? ज्यादा कर दिया। मेरा अकाउंटेंट क्या एंट्री किया? ज्यादा कर दिया। कितना से? यानी वो एंट्री क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश कितना? 1400। देखो उसको, ये यानी ये रॉन्ग एंट्री है, उसको करेक्ट एंट्री क्या करना चाहिए था बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 1040। तो परचेज अकाउंट को 1040 से डेबिट करना था, ज्यादा से डेबिट कर दिए। पहला एडवाइस रिवर्स करो, परचेज को ज्यादा लिख दिए। वैसे ही रमेश अकाउंट को क्रेडिट करना था 1040 से, वो क्रेडिट कर दिया 1400 से, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो रमेश को भी रिवर्स करो, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज एंट्री होगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 360 रुपये आएगा आई थिंक। कितना रुपया से आप रिवर्स एंट्री पास करो, ठीक है? यस। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स जिसका कॉस्ट है 5000 रुपया, हम उसको सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कोई चीज को जब सैंपल में बांटते हैं बेटा तो क्या करते हैं, क्या क्या चीज को डेबिट करना चाहिए? कोई चीज को सैंपल में क्यों बांटते हैं हम? कोई भी कंपनी कोई गुड्स को फ्री सैंपल क्यों बांटता है? एडवर्टीजमेंट के लिए ना, हाँ एडवर्टीजमेंट के लिए आया ना। yes, आप जब कोई मॉल वॉल में जाते हो वो लोग आपको फ्री में कॉफी पिलाता है, क्योंकि वो फ्री सैंपल क्यों पिला रहा था कि आप उसका कॉफी खरीदो आगे। yes, तो यानी वो एडवर्टीजमेंट है, ये उसको रिकॉर्ड करने भूल गए। तो सर एडवर्टीजमेंट तो टू परचेज एंट्री होते आपने सीखे थे जब अपने एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट का जनरल एंट्री सीख रहे थे, कि एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे सर, और जो खरीद के लाए थे बेचने के लिए उसको ऐसे ही बांट दिए, तो मेरा परचेजेस कम हो गया ना। आई रिपीट, एडवर्टीजमेंट मेरा फ्री सैंपल बांटना मेरा एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है सर, डेबिट करना भूले आप डेबिट कीजिए। और हमको एक बात बताइए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो हम फ्री में सैंपल बांटा वो मेरे पास आया कहाँ से? मान लो हम बहुत बड़ा कॉफी का ट्रेडर है, हम नेस्कैफे का बहुत बड़ा ट्रेडर है, हम अपने एरिया में लोगों को फ्री में 5-5 रुपये वाला कॉफी का पाउच बांटा, 100 पाउच हम फ्री में बांटा लोगों को अपने एरिया में। अब मेरे पास एक बात बताइए, ये फ्री बांटने वाला पाउच आया कहाँ से होगा? पक्का हम खरीद के लाएंगे नेस्कैफे कंपनी से? Yes, यानी मेरे परचेजेस से आया होगा। अब परचेज किया हुआ सामान हम बेचने के लिए लाते हैं ना, परचेज क्यों करते हैं? बेचने के लिए। बट क्योंकि उसको फ्री सैंपल में बांट दिए तो मेरा परचेज कम हो जाएगा, परचेज का फिगर, बेचने के लिए कम माल बचेगा, तो परचेज डेबिट होता है जनरली, जब उसको कैंसिल कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज एंट्री होना चाहिए था फ्री सैंपल बांटने का, मेरा अकाउंटेंट ये एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया। आप क्या एडवाइस करोगे? आप रिकॉर्ड कर लीजिए। yes. तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। लास्ट एंट्री, वेजेस पेड टू द फॉरेन वर्कमैन फॉर मेकिंग एडिशन टू मशीनरी, वर्कर को मशीनरी बनाने के लिए वेजेस पेमेंट किए और मेरा अकाउंटेंट उसको वेजेस अकाउंट में लिख दिए। हमको मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था ना, क्योंकि एसेट बनाने या खरीदने में कोई खर्चा होता है वो एसेट अकाउंट में जाते हैं।
और मेरा अकाउंटेंट कहाँ लिख दिया, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री होना चाहिए था मशीन टू कैश, मेरा अकाउंटेंट कर दिया वेजेस टू कैश, है ना। तो मशीन को डेबिट करना था, आप किया नहीं है तो आप करो, वेजेस को डेबिट कर दिया तो रिवर्स करो। तो ये है। अब आपको ये आगे के 11, 12, 13, 14 जो सम चार तो सम है, ये आप खुद करो ताकि अपने एक दो दिन बाद एक क्लास करें, या तो आपको कोई डाउट हो वो क्लियर करें, या फिर सम्स को प्रैक्टिस करना हो तो सम्स को प्रैक्टिस करें।